मीडिया कर्मियों पर हमला करने वाले 3 अवैध खनन माफियाओं को किया गिरफ्तार। दरअसल हुआ क्या था, हम आपको बता दें, टपुकड़ा थाना क्षेत्र के गांव पाटन कला में कवरेज के दौरान मीडिया कर्मियों पर हमला करने वाले 3 खनन माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि शांतु कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के आदेश अनुसार विपिन शर्मा एएसपी के निर्देश में प्रेस बहादुर सिंह वर्ता अधिकारी व्यर्थ तिजारा के सुपरविजन में थाना अधिकारी पुलिस थाना टपुकड़ा के नेतृत्व में अवैध खनन माफिया द्वारा पत्रकार से मारपीट व कैमरा और फोन को तोड़कर फरार होने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परिवादी आसिफ पुत्र साहबुद्दीन निवासी टूंडली की ढानी टपुकड़ा ने मामला दर्ज कराया कि सरपंच प्रतिनिधि इस्माइल खान के द्वारा सूचना दी गई कि पाटन कला गांव के रफुद्दीन के मकान पर पहाड़ से पत्थर आ रहे हैं, जिस पर परिवादी व उसका साथी साहिल खान व सरपंच प्रतिनिधि इस्माइल खान पाटन कला गांव के पहाड़ में पहुंचे, जहां पर कुछ अवैध खनन से जुड़े हुए लोग खड़े हुए थे। हमें फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करने लगे तो अचानक से फारूक पुत्र शेर खां, शौकीन पुत्र सत्तार, अमजद पुत्र इस्माइल में अपने 10-12 अन्य साथियों ने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी थी। हमारा कैमरा व फ़ोन तोड़ दिया और कैमरा व फ़ोन लेकर फरार हो गए। इस संबंध मामला दर्ज कर जांच शुरू करी गई। थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर फारूक पुत्र शेर खां, शौकीन पुत्र सत्तार, अमजद पुत्र इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। भरोसेमंद मलखान दवाखाना, हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना, हकीम अनीस।